हेलो एवरीवन, तो देख सकते हैं ये है प्रेस्टीज का स्टेनलेस स्टील का कुकर, जिसमें जो है ये ख़राब हो चुका है। तो इसमें क्या क्या दिक्कत आती है सबसे पहले वो बताएंगे। यानी कि इसमें मेन जो दिक्कत आने वाली है, अगर हम कुकिंग करते हैं तो साइड से पानी लीकेज हो जाता है, यानी कि हवा चली जाती है या फिर ऊपर से चली जाती है। तो दोनों में डिफरेंस ये रहता है कि या तो गैस्केट जाती है या सेफ्टी वाल्व जाती है। तो सेफ्टी वाल्व को कैसे चेंज करके सबसे पहले वो बताएंगे, क्योंकि हमारा जो ये कुकर का सेफ्टी वाल्व है वो जो है होल हो गया। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका हो गया हॉल। एंड इसका मॉडल है प्रेस्टीज पॉपुलर चॉइस स्टेनलेस स्टील का कुकर है। ये 3 लीटर, 2 लीटर, 1.5 सभी में जो है सेफ्टी वॉल एक ही साइज़ का आता है। तो देख सकते हैं हमारे पास नया सेफ्टी वॉल तैयार है, तो इसको जो है चेंज करके हम बताने वाला है। तो चलिए इसको हमने निकाल दिया है, तो चलिए सबसे पहले ये रिमूव कर देते। तो देख सकते हैं ऊपर की तरफ ये प्लेन है, यहाँ पर हो चुका है हॉल। तो चलिए अब हम इसको जो है चेंज करके बताते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कटिंग प्लेयर भी मदद सकते ले सकते हैं, या फिर रिंग स्पॉनर की भी मदद ले सकते हैं। ऊपर की तरफ हमारे को 10 नंबर का स्पॉनर डालना है, या फिर आप 2 कटिंग प्लेयर की मदद से ले सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से जो है पकड़ लेना है, एंड देन ऊपर की तरफ आपको जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। इसको थोड़ा टाइट रहता है, लेकिन आप इजली से जो है इसको जो है खोल सकते हैं। तो देख सकते हैं ये बड़े आराम से खुल रहा है। एंड आप इधर ही वीडियो को स्किप नहीं करना है, बिकॉज क्योंकि इसमें वाइसर भी काफ़ी जो है सावधानी से डालना है, कैसे डालना है वो भी बताएंगे। तो देख सकते हैं सबसे पहले हम बताएंगे कि सेफ्टी वॉल कैसा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है पुराना सेफ्टी वॉल एंड ये नया सेफ्टी वॉल। तो देख सकते हैं आपको फ़र्क साफ दिख रहा होगा कि इसमें ये होल हो चुका है, इसमें जो है प्लेन है। तो चलिए अब नया डाल के आपको बताते हैं। तो सबसे पहले इसको खोल देना है, खोलने के बाद आपको वाइसर को भी इसको निकाल देना है। निकालने के बाद आपको क्या करना है, जो कुकर होता है कुकर के ऊपर की भाग ये वाला पार्ट रखना है, ये वाला। एंड देन आपको ऐसा उल्टा करके ये वाइसर सबसे पहले डाल देना है। एंड देन इसमें आपको फ़र्क ये दिखेगा कि एक साइड में आपको जो है थोड़ा डीप दिखेगा, आप देख सकते हैं एक साइड में आपको डीप दिखेगा, एक साइड में आपको जो है प्लेन दिखेगा। जो डीपनेस वाला भाग रहेगा वो आपको अंदर की तरफ रखना है, ताकि वाइसर इसके अंदर बैठ सके। पहले हाथ से जो है टाइट कर लेना है वाइसर को अच्छी तरह से बिठा के, इस तरह से। उसके बाद में पीछे की तरफ आपको इस तरह से हाथ को पकड़ लेना है, जो कि सेफ्टी वॉल के ऊपर। एंड देन आपको इस तरह से जो है टाइट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं परफेक्ट तरीके से जो ये टाइट हो चुका है। अगर आपका रोटेट हो रहा है दोनों साइड, तो आप दोनों साइड पकड़ के कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है सेफ्टी वॉल एकदम रेडी है। एंड अभी आप बड़े आराम से जो है इसको चेक कर सकते हैं कि इसमें दिक्कत है या नहीं। फिर भी अगर आपको दिक्कत दिखती है, यानी कि अभी जो सेफ्टी वॉल के बारे में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, अभी अगर आपको दिक्कत दिखेगी तो गैसकिट में ही दिखेगी। तो गैसकिट भी आप अगर आपको प्रॉब्लम दिखती है तो आप चेंज कर सकते हैं। तो गैसकिट को कैसे चेक करते हैं, अगर आपका ये सॉफ्ट गैसकिट है एकदम जो है नॉ ऐसे आराम से अगर मुड़ जाती है तो आपकी गैसकिट सही है। अदरवाइज आप ऐसा फोल्ड करेंगे तो आपको गैसकिट के ऊपर अगर आपको मार्क दिखेंगे लाइन लाइन, तो आपको गैसकिट चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है, या फिर हार्ड हो गया है तो भी आपको जो है गैसकिट चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये है प्रेस्टीज कुकर का सेफ्टी वॉल, कैसे चेंज करते हैं। एंड अगर आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसे शानदार वीडियो में, तो जय हिंद, जय भारत।